रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसमें यूक्रेन अमेरिकी ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल खार्किव को रूसी सेना से बचाने के लिए कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन इन हथियारों से रूसी सेना पर सीधा हमला कर सकता है, हालांकि इनका इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर नहीं होना चाहिए।